बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में लगी आग दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। सिद्धार्थनगर के उसका रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम कक्ष में शनिवार सुबह तेज धुआं उठने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से शटर तोड़कर आग को बुझाया गया। हालांकि एटीएम मशीन सुरक्षित है और उसके अंदर रखी नकदी भी सुरक्षित बताई जा रही है, लेकिन बाकी सब कुछ जलकर राख हो चुका है। इस मामले में अभी तक बैंक की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है। नगर के उसका रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा के बाहर एक कमरे में एटीएम है। शनिवार सुबह लोगों ने शटर के बाहर धुआं उठता हुआ देखा। इसके बाद सदर पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते ही कोतवाल सतीश कुमार सिंह टीम के साथ पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाया। शटर का ताला तोड़ा गया तो अंदर धुएं का गुब्बार उठ रहा था। बोर्ड सहित इलेक्ट्रिक के सारे सामान जल चुके थे। फायर ब्रिगेड कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एटीएम बॉक्स सुरक्षित मिला है, जबकि वायर सहित एसी और अन्य सामान जलकर नष्ट हो चुके हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। हालांकि अभी तक बैंक की ओर से नुकसान के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। वहीं शहर कोतवाल सतीश कुमार सिंह ने बताया कि एटीएम पार्क सुरक्षित है, एसी से आग लगने की आशंका है, इसकी जांच की जा रही है। बैंक कर्मियों से वार्ता के बाद ही पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है।